हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे लौकी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। लौकी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, रबी सीजन हो खरीफ सीजन हो तो कौन सी बढ़िया वैरायटी हैं जो कि हम दोनों सीजन पर लगा सकते हैं, कैसे नर्सरी तैयार करना चाहिए दोस्तों, कैसी जलवायु पर आप लौकी की खेती कर सकते हैं, और साथ ही कुछ बीमारी रियर समस्याएं आती हैं, और आपने देखा होगा कि फलता फूलता पौधा सूख जाता है, तो लौकी की फसल पर ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए हमको कब कौन सी खाद का प्रयोग और यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए, सॉइल एप्लीकेशन से कुछ बीमारी आती हैं तो कीटनाशक दवाइयों के बारे में जो कि सस्ती हों अच्छी हों। एक एकड़ में यदि आप लौकी यानी वेटल गॉड फार्मिंग आप करते हैं दोस्तों, तो आपको कितनी लागत लगेगी, कितना मुनाफा होगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे, लाइफ साइकिल के ऊपर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टाइमिंग यानी अनुकूल समय, तो लौकी की खेती वैसे तो आप 12 महीने भी पॉली हाउस ग्रीन हाउस पर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल जो समय है टाइमिंग है वो है गर्मियों पर आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक दोस्तों आप लौकी की बुआई कर सकते हैं, और बरसात में आप जुलाई से लेकर अगस्त महीना काफ़ी अनुकूल समय माना जाता है। जलवायु और तापमान, तो लौकी की खेती जो है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है, लेकिन लौकी की फसल पर सर्दियों के दिनों पर ठंड के दिनों पर यदि टेम्परेचर 8-10 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है तो फिर इस फसल पर पाला भी लग जाता है। तो पाला से बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जब ठंड के जो दिन आते हैं, जब पाला लगने की संभावना रहती है दोस्तों, तो जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा पर आपको सिंचाई करना चाहिए। ऐसा एग्रो की सीएप्टोन 10 एल्टोनिक आती है, यदि मान लो पाला लग गया है तो ठीक तरीके से निराई गुड़ाई करें और सिंचाई करके आप ऐसा एग्रो की सीएप्टोन 10 एल्टोनिक को 15 लीटर पानी 30 ml की दर से दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। खेत के चारों साइड आप थोड़ा थोड़ा मतलब धुआं कर दीजिए, जिससे जो पाला है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो यह एक दो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। भूमि और खेत की तैयारी, तो लौकी की खेती यदि आप खेती कर रहे हैं तो प्रायः सही प्रकार की सोयल पर खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, हल्की मिट्टी और आप मध्यम भूमि पर भी खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7 दोस्तों चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है, और एक से दो बार आपको कल्टिवेटर या फिर तोता हल से ठीक तरीके से प्लोविंग कराना है। हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से दोस्तों भुरभुरी करा लेना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लौकी की खेती दोस्तों आप वेट विधि से भी खेती कर सकते हैं, साधारण विधि से भी आप खेती कर सकते हैं, और मंडप विधि से भी आप लौकी की खेती दोस्तों कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में यानी ज़्यादा पैदावार ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं आइए बात करते हैं। नंबर एक VASF कंपनी की जो नूनहेम्स की अनोखी के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट की अनमोल के नाम से आती है, सकाटा सीड्स की दिशा के नाम से आती है, VNR सीड्स कंपनी की हरुणा के नाम से आती है, US एग्रीसीड्स की SW906 के नाम से आती है, हाईवेज की अमहोक के नाम से आती है, और महिको की MAHI 8 के नाम से, और VNR की सरिता के नाम से दोस्तों आती है। यह 6-7 जो वैरायटी हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ही बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बतला रहे हैं। बाकी मार्केट में तो सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन पैदावार जो है वो अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है, और फल की जो चमक है, क्वालिटी है, साइज शेप है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंड और निर्भर करता है। यदि चमकदार क्वालिटी और बहुत ज़्यादा यदि जितनी ज़्यादा छिलका में चमक रहेगी, ग्रीननेस रहेगी, उतना ही अच्छे तरीके से हमको रेट देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। प्रति एकड़ सीड्स यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता
पड़ेगी। बेसल डोज यानी जब हम बुआई कर रहे हों, खेत की तैयारी कर रहे हों, तो दोस्तों उस समय कौन कौन सी हमको खाद का प्रयोग करना है, तो DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 30 kg, इन सभी को जब आप बेड तैयार करा रहे हों उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। वेड तैयार, तो आपको वेड किस प्रकार प्रिपरेशन कराना चाहिए, वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड तैयार कराना चाहिए। वेड विधि से यदि आप खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। वेट से वेट की दूरी 10 फीट और वेट की चौड़ाई 3 फीट आपको रखनी चाहिए। वेट की ऊंचाई आप 10 से 12 इंच रख सकते हैं। नर्सरी तैयार, तो आप चाहें तो लौकी की खेती डायरेक्ट बीजों की भी फील्ड पर आप बुआई कर सकते हैं, बाकी नर्सरी भी आप तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोट्रे पर वर्मी कंपोस्ट और कोकोपिट खाद को भरकर एक एक बीजों की बुआई करके ठीक तरीके से मल्चिंग पेपर में कवर करके रखना चाहिए, और 3 दिन बाद जो आपने ग्रीन नेट हाउस बनाई है वहाँ पर आप प्लास्टिक प्रोट्रे को निकाल के दोस्तों रख दीजिए और समय समय पर सिंचाई करते रहिए। तो इस प्रकार 25 दिन में भी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी में यदि कोई कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो नीम ऑयल 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस, दोस्तों आप अलग तरीके से खेती करते हैं, अलग अलग विधियां हैं खेती करने की लौकी की। यदि आप ड्रिप विधि से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए और वेट से वेट की दूरी 6 से 7 फीट दोस्तों आपको रखनी चाहिए। और यदि आप मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और मंडप से मंडप की दूरी आपको रखनी है 3.5 फीट और लान से लान की दूरी 10 फीट रखनी चाहिए। एक बेड में आपको सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए या फिर सिंगल लाइन पर ही आपको लौकी को लगाना चाहिए यदि आप ड्रिप बेड विधि से खेती कर रहे हैं। ड्रिप एरिगेशन 16 mm ड्रिपर वाली जो ड्रिप है उसको आप इनलाइन ड्रिप को लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर खरपतवार नहीं उगेंगे, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। सिंचाई यानी एरिगेशन, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे, और यदि आप क्यारी विधि से खेती कर रहे हैं तो फ्लैट एरिगेशन से आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट, यदि आप बीज उपचार करते हैं तो अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है, तो हाइब्रिड सीड्स को उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर का सीड्स लगा रहे हैं तो आप मैंकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजम 12% जैसे UPL कंपनी की साफ फंगीसाइड आती है, 1 किलोग्राम सीड्स को 5 ग्राम फंगीसाइड से बीज उपचार करके यदि आप शोइंग करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया स्वस्थ हमको जर्मिनेशन और अंकुरण देखने के लिए मिलता है। खरपतवार की रोकथाम यानी वीट कंट्रोल, तो लौकी की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बजाय यदि आप निराई गुड़ाई करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फसल को झटका भी नहीं लगता है। फर्स्ट निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन की फसल होती है तो फर्स्ट निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सेकेंड निराई गुड़ाई 60 से लेकर 70 दिन के मध्य हमको सेकेंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार यदि खरपतवार उग रहे हैं तो आपको आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई दोस्तों करनी चाहिए। स्प्रे शेड्यूल यानी कीटनाशक दवाइयों का जो हम कॉम्बिनेशन लेंगे, कौन कौन सी बीमारी आती है, क्योंकि ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए फसल प्रभावित ना हो, क्वालिटी प्रभावित ना हो, तो फंगस कीट भी आते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों। स्प्रे शेड्यूल कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं, प्रमुख रूप से लौकी की फसल पर सेमी लूपर्स इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, हरी इल्ली, वाइट फ्लाई, एफिड जैसेड, लाल कद्दू बीटल, तो जो कि फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो भी स्टार्टिंग के दिनों में ही। फ्रूट फ्लाई फल मक्खी के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यूड है दोस्तों, झुलसा है, लीफ स्पॉट है, बैक्टीरियल स्पॉट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इसके अलावा विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है, डाउनी मिल्ड्यूड है दोस्तों, मिलीबग, माइट्स, दीमक और वाइट ग्रफ के साथ साथ फल इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, लाल कद्दू बीटल, रेड पंपकिन बीटल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, छोटे से पौधे को ही डैमेज कर देता है, तो नीम ऑयल का आप स्प्रे दोस्तों ले सकते हैं। फल मक्खी की रोकथाम के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप को आप लगा सकते हैं,
एक एकड़ में मिट्टी से 2 फीट ऊंचाई पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि 20 फीस आप ट्रैप को लगा सकते हैं, पीला भी लगा सकते हैं, नीला भी ट्रैप आपको जरूर लगाना चाहिए। रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। आइए बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे। तो कीट और बीमारी आती हैं, खरपतवार मुक्त फसल दोस्तों आपको रखनी है पहली बात है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रहेगी तो कम से कम कीट आएंगे और कम से कम कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल होती है तो इन दोनों कीटनाशक को वायर की कॉन्फिडोर 10 ml, UPL की साफ फंगीसाइड 40 ग्राम, 15 लीटर की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। सेकेंड स्प्रे 35 से 40 दिन की फसल होती है तो इन दोनों दवाइयों को 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल होती है तो इन दोनों दवाइयों को आप 15 लीटर की दर से सिलिकॉन चिप को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। फोर्थ स्प्रे 80 से 85 दिन की फसल होती है तो इन तीनों को आपको मिक्स करके स्प्रे करना है, वो भी 15 लीटर की दर से। फिफ्थ स्प्रे 100 से 110 दिन की फसल होती है तो इन दोनों दवाइयों को 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। छठवां जो स्प्रे है 125 से 130 दिन की फसल होती है तो इन दोनों दवाइयों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। फल मक्खी के लिए दोस्तों आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। यदि आप यह काम करते हैं तो काफ़ी हद तक जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो कम करने पड़ेंगी, लागत कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों का फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल, लौकी की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए हमको न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की पूर्ति समय समय पर करनी पड़ेगी। फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है तो यूरिया 25 kg, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 kg, MOP 5 kg, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 50 से 60 दिन की फसल होती है तो इन तीनों खादों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना है। थर्ड खाद 90 दिन से लेकर 110 दिन के आसपास की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15, बोरॉन भी 20% 2 kg, ह्यूमिक एसिड 10 kg, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फोर्थ खाद 125 से 135 दिन के आसपास की फसल होती है दोस्तों तो जिंक सल्फेट 5 kg, माइक्रो न्यूट्रियन 5 kg, यूरिया खाद 20 kg, इन तीनों को मिक्स करना है, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। ऐसा नहीं पहले आपको निराई गुड़ाई करना है, फिर 1 से 2 दिन की तेज़ धूप मिट्टी पर लग जाए, उसके बाद दोस्तों आपको इस कॉम्बिनेशन को जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 19 19 19, 052334, 0050, 13045, 13403, 12160, 17440 जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यदि आप आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की दोस्तों पूर्ति करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको पैदावार भी बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छी यील्ड देखने के लिए मिलेगी। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, यदि आप लौकी की खेती ठीक तरीके से देखभाल करते हैं तो 6 से 7 महीने के आसपास की लाइफ साइकिल है लौकी की फसल की। लागत की ऊपर बात करें तो 50,000 से लेकर 60,000 रुपये के आसपास एक एकड़ में लागत दोस्तों मिनिमम लगने वाली है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, यदि आप लौकी की खेती एक एकड़ पर करते हैं तो मिनिमम 250 से 300 क्विंटल पैदावार होने वाली है एक एकड़ पर। मार्केटिंग रेट 10 रुपये से लेकर 30 रुपये के माध्यम को कीमतें प्रति किलोग्राम की रेट देखने के लिए मिलते हैं। मुनाफा एंड नेट प्रॉफिट, यदि आप एक एकड़ पर लौकी की खेती करते हैं दोस्तों तो कितना मुनाफा होगा, मुनाफा काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है नेट प्रॉफिट पर और साथ ही साथ आपने कितना उत्पादन निकाला है, बाजार भाव क्या रहे। यदि हमको 15 रुपये kg का ही रेट मिल जाता है यानी 1500 रुपये क्विंटल, और हमने तो आपको बताया कि 300 क्विंटल पैदावार हुई, 250 क्विंटल ही मान लेते हैं और मिनिमम इतनी तो दोस्तों हो ही जाती है। 1500 रुपये में यदि हम 250 का इंटू कर देंगे तो 375,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। 375,000 रुपये में से हम लागत को घटा देंगे 60,000 तो 315,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो आप बड़े आराम से 3 लाख रुपये
एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं लौकी की फसल से। तो जो दोस्तों फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के भी ऊपर हम बात कर ले हैं, लगभग लगभग 65 से लेकर 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो जाती है। कुछ वैरायटी पर भी डिपेंड करती हैं, कुछ वैरायटी 60-70 दिन का समय तो दोस्तों एक एवरेज लग ही जाता है, ये मान लीजिए 70 दिन के आसपास का समय लगता है फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो लौकी की फसल से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।